हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस टू बी ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये एमसीक्यू है आपके पास, तो ए बी सी डी तीन ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो चेक करिए बेटा, 2 और 4 है, तो आपको चेक करने पड़ेंगे ये नंबर आपको। ठीक है, तो आप सॉल्व करें ये क्वेश्चन। ए में आपको 2, 4 दिया गया है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ए जो है वो 2 है, बी जो है वो 4 है, तो चेक करेंगे आप 2 = 4 - 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 = 2। बट बेटा आपको बी बोला गया है, वो क्या है, ग्रेटर देन है 6। आपको बी ग्रेटर देन 6 बोला गया है, तो आप यहीं से चेक कर लेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं। बी आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 6, तो ये फॉल्स हो गया आपके पास। ओके, ए ऑप्शन आपके पास फॉल्स हो गया। ठीक है बेटा, ए ऑप्शन है। और बी में आप चेक करें, हमारे पास 3 और 8 है। यहाँ पे ए आपके पास 3 हो गया, बी आपके पास 8 हो गया, तो ये बी तो ग्रेटर देन 6 हो गया आपके पास। चेक करेंगे आप A is equal to B minus 2, 3 is equal to 8 minus 2, तो 3 is equal to 8 minus 2 आप करेंगे 6, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, false हो गया, not equal हो गया ये। C option check करेंगे आप, हमारे पास A 6 दिया है और B जो है वो 8 दिया है। चेक करेंगे बेटा, A हमारे पास is equal to B minus 2 है, तो ए 6 है, बी 8 - 2, तो 6 = 6, तो आपके पास जो आपका ऑप्शन आ गया सी, तो ये आपका करेक्ट आ गया, ये आपका ट्रू है। ये क्या हुआ आपके पास, ट्रू हो गया। तो मतलब सी ऑप्शन जो है आपके पास वो करेक्ट ऑप्शन है। एक बार आप डी चेक करना है तो कर लीजिए, डी 8 है आपके पास और दूसरा बी आपके पास 7 है, तो ग्रेटर देन है, तो ए, हाँ हमारे पास इक्वेशन है a इज इक्वल टू b माइनस 2, a कितना है हमारे पास 8 और b कितना 7 - 2, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो मतलब करेक्ट ऑप्शन जो आया वो आपके पास क्या आया, c आया। ओके बेटा, थैंक यू।